65 साल के सनी देओल का सिनेमा वाला पराक्रम इस दिन लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 ने सिनेमाघरों में कमाई की वाट लगा डाली है। जी हाल तब है जब अपने सन्नी पाजी ने हैंड पंप नहीं उखाड़ा, तब ये हाल हुआ है। और अगर गदर 2 में भी हैंड पंप उखाड़ देते तो सोचो कितनी फिल्मों के रिकॉर्ड जर समेत उखड़ जाते, क्योंकि जो बात सनी देओल के अंदर है ना विद यू रिस्पेक्ट, वो किसी में नहीं, क्योंकि उनके डायलॉग सिर्फ वही बोल सकते हैं। सन्नी पाजी के अंदर अभी भी वो एक्शन हीरो का पोटेंशियल जिंदा है। उनके पास घातक, बॉर्डर, माँ तुझे सलाम जैसी फिल्में हैं जिन्हें एक अच्छे डायलॉग के साथ वापस लाया जा सकता है। खुद को मेगा स्टार कहने वाले शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और पता नहीं कितने सारे उन जैसे बिग ब्रदर स्टार एक्टर्स वैसे कमाल के लिए तरस रहे हैं जैसा सन्नी पाजी ने कर दिखाया है। गदर को सिर्फ एक फिल्म कहना बिल्कुल गलत होगा। गदर एक इमोशन है जो छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन वाले दर्शकों को मजबूती से कनेक्ट करता है। आप भी सोचिए आखिरी बार आपने कब ऐसा सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के बाद लोगों को नाचते, झूमते, गाते देखा था। आपने गदर बम्पर हिट साबित हो रही है क्योंकि ये आम हिंदुस्तानी की भावनाओं का आईना है, क्योंकि ये देश प्रेम वाले जज्बे से भरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ हर हिंदुस्तानी की भावना की बात कहती है। मेन बात गदर का मैसेज यह है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं राम किशोर एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल आर के पार यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खैर, गदर 2 के लिए कोई प्रमोशन नहीं किया गया, ना ही बड़े बड़े इवेंट हुए, ना ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स ने सपोर्ट के लिए लंबी लंबी सोशल मीडिया पोस्ट डाली, किसी ने नहीं डाले थे। बट सन्नी पाजी के साथ पब्लिक साथ थी। गदर असली मायने में एक मेगा हिट हिंदी फिल्म अरसे के बाद आई है। एक्सपर्ट का कैलकुलेशन कहता है कि गदर जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो कई बड़ी फिल्मों को अगले 10 दिनों के भीतर भी धराशायी कर देगी। गदर 7 दिनों में 283 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आने वाले 3 दिनों में यह आंकड़ा 350 के पार पहुंच जाएगा। इस साल की सबसे बड़ी हिट रही पठान का लाइफ टाइमिंग इंडिया बिजनेस 583 करोड़ रुपए था और पठान फिल्म को ये आंकड़ा हासिल करने में 10 हफ्तों से भी ज्यादा का समय लगा था। जबकि गदर जिस तरह से गदर मचाई हुई है, हो सकता है वो रिकॉर्ड बहुत पहले ही तोड़ देगी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद से फिल्म ने जैसी रफ्तार पकड़ी है वो अपने आप में अद्भुत अकल्पनीय है। स्वतंत्रता दिवस पर गदर ने रिकॉर्ड 55 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इसके बाद 16 अगस्त को 32 करोड़ और 17 अगस्त को 22 करोड़ की कमाई हुई। यानी गदर की आंधी पूरी जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। एक और खास बात है कि जिस वक्त पठान रिलीज हुई उस टाइम उसके सामने कोई भी बड़ी फिल्म उसके मुकाबले की नहीं थी। साथ ही टिकटों की एडवांस बुकिंग पर भी फिक्सिंग के बड़े सारे आरोप लगे थे। लेकिन गदर को चुनौती देने के लिए अक्षय कुमार की OMG 2 सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर मैदान में है। इस संकरी फिल्मों के रहते बम्पर बिजनेस होना बताता है कि एक अच्छी फिल्म लोगों को जोड़ने वाली कहानी, लोगों की भावनाएं, बताने वाले डायलॉग और देश प्रेम वाली फीलिंग इतनी अहम है। लेकिन सनी देओल की फिल्म ने साबित कर दिखाया है कि अब वही फिल्म गदर मचाएगी जो देश हित की बात करेगी, जो देश प्रेम की बात करेगी, जिससे जिसको लोग दिल से प्यार करेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि आजकल बच्चे बच्चे की जुगान पर एक ही गाना है, हो मन निकला हो गड्डी लेकर हो रस्ते पर। यानी कुल मिलाकर पब्लिक का दिल गदर के साथ है। खैर, वैसे आप कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं कमेंट में जरूर बताना और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।